السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صفة الوضوء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. आज के इस शुभ सभा में मैं अपने मुस्लिम मित्रों तथा दोस्तों को वुजू का तरीका बतलाना चाहता हूं। वुजू एक महत्वपूर्ण उपासना और अहम इबादत है और इबादत उसी प्रकार हमें करनी चाहिए जो इबादत का तरीका ढंग अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, क्योंकि कोई भी उपासना कोई भी इबादत उस वक्त तक स्वीकार नहीं होगी कबूल नहीं होगी जब तक कि उसके अंदर दो चीजें ना पाई जाएं। पहली चीज इखलास यानी इबादत का लक्ष्य तथा मकसद उद्देश्य केवल अल्लाह को प्रसन्न करना अल्लाह के लिए करना। दूसरी चीज अंतिम संदेशता जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी आज्ञा पालन मुताबात। प्रिय मित्रों, वुजू एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम इबादत है और इसके बहुत लाभ हैं। बिना वुजू के सलात यानी नमाज कबूल नहीं होगी। नमाज पढ़ने से पहले वुजू करना जरूरी है और जब बंदा वुजू करता है तो उसके सारे गुनाह छोटे गुनाह झड़ जाते हैं, छोटे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जो बंदा अल्लाह की इबादत के लिए वुजू करेगा, सलात स्थापित करेगा, नमाज कायम करेगा, परले के दिन उसके वुजू के अंग चमक रहे होंगे। तो आइए हम सब मिलकर ये सीखें, ये जानें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू का क्या तरीका, क्या नियम, क्या विधि बताया है। जब भी कोई मुसलमान सलात स्थापित करने का, नमाज पढ़ने का इरादा करे तो सबसे पहले उसे बिस्मिल्लाह कहना चाहिए और अगर भूल जाए तो भी कोई बात नहीं है। बिस्मिल्लाह कहने के बाद अपने दोनों हथेलियों को तीन बार धुलना चाहिए। पानी ले, पवित्र पानी, पाक पानी, और अपने दोनों हथेलियों को तीन बार धुले और उंगलियों का आखिर में खिलाल कर ले इस तरीके से कि कहीं सूखा स्थान बाकी ना रहे। तीन बार हथेलियों को धुल लेने के बाद तीन बार कुल्ली करें, पानी दाहिने हाथ से मुंह में डालें और पूरे मुंह में पानी को घुमाए इस तरीके से और फिर पानी फेंक दें।
उदाहरण स्वरूप मैंने पानी लिया, मुंह में डाला, करके फेंक दिया, इस तरह 3 बार कुल्ली करें। और कुल्ली करने के बाद 3 बार दाहिने हाथ से नाक में पानी डालें और थोड़ा सा खींचे, और खींचने के बाद बाएं हाथ से इसे साफ कर दें। 3 बार पानी लिया, थोड़ा खींचा और उसे साफ कर दिया, और खींचने में थोड़ा ज्यादती करें, मुबालगा करें। हां, अगर वो रोजे से है तो पानी को बहुत तेज नहीं खींचेगा ताकि नाक के मार्ग से मैदा में न उतर जाए। कुल्ली करने के बाद और नाक में पानी डालकर साफ करने के बाद आदमी अपने चेहरे को 3 बार धुले, और चेहरा का सीमा बाल के उगने के स्थान से लेकर के कान तक, और ये टुड्डी के नीचे का भाग है, ये है चेहरा। पानी ले और 3 बार खूब मल मल करके अपने चेहरे को धुले, ये सब लेकर के। और अगर दाढ़ी हल्की है तो नीचे के चमड़े को भिगोने की कोशिश करें, और अगर घनी दाढ़ी है तो पानी लेकर के उसे खिलाल कर ले अच्छे प्रकार। और ये वुजू का जो मैं तरीका बता रहा हूं, महिला और पुरुष, मर्द और औरत दोनों के लिए बता रहा हूं। चेहरे को धुलने के बाद क्या करें, दाहिने हाथ में पानी ले और बाएं हाथ को कुहनी समेत, इसको कहा जाता कुहनी, कुहनी समेत 3 बार धुले। पानी लिया और खूब मल मल करके पूरे हाथ को कुहनी समेत धुला 1 बार, इसी तरह 2 बार, इसी तरह 3 बार। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, वह अयदियकुम इलल मराफिक ऐ माअल मराफिक, अपने हाथों को कुहनी समेत धुलो। कुछ लोगों को देखा गया कि यहीं तक धुल लेते हैं और ये सूखा स्थान बाकी रह जाता है, ये सही बात नहीं है। कुहनी समेत 3 बार पहले अपने दाहिने हाथ को धुले और फिर कुहनी समेत अपने बाएं हाथ को 3 बार धुले। हाथ धुल लेने के बाद सर का मसाह करें। सर का मसाह करने का तरीका जो अंतिम संदेश ने सिखाया है वो यह है कि तर हाथ को, गीले हाथ को अपने बाल के उगने की जगह पर रखें और एकदम गुद्दी तक लेके जाए, ऐसे यहां रखा यहां, और एकदम ऐसे गुद्दी तक लेके जाए, ये गुद्दी है, और फिर उसको वही वापस लाए जहां पर उसने, जहां से वह उसने प्रारंभ किया था, शुरू किया था, यानी पूरे सर का मसा। कुछ लोगों को देखा जाता है इसे कर लेते हैं, कुछ लोग चौथा, नहीं, पूरे सर का। अल्लाह ताला ने फरमाया वमसहू बिरूसिकुम, अपने सरों का मसाह करो, यानी बाल के उगने की जगह से लेकर के गुद्दी तक ले जाए और फिर गुद्दी से वही वापस लाए दोनों हाथों को जहां से शुरू किया था। सर का मसा करने के बाद कान का मसा है। कान के मसे में ये शहादत की उंगली कान में रखें और अंगूठे से, अंगूठे के अंदरूनी भीतरी भाग से कान के ऊपरी हिस्से पर ऐसे घुमाए, और जो अंदर वाला हिस्सा है जो कान के अंदर काग है उसमें घुमा ले, ये कान का मसा हो गया। और फिर उसके बाद अपने दाहिने पैर को धुले, उंगलियों के हिस्से से लेकर के ये गट्टा समेत, यहां तक ज्यादा ज्यादा यहां तक धुल सकता है, या गट्टा समेत 3 बार खूब अच्छे प्रकार धुले, और धुलने के बाद ये उंगलियों में ऐसे खिलाल कर ले। और फिर उसके बाद दाहिने पैर को धुलने के बाद बाएं पैर को इसी तरीके से धुल ले। अब ये वुजू हो गया। तो वुजू का संक्षेप में तरीका, बिस्मिल्लाह कहा, पवित्र पानी लिया, बिस्मिल्लाह कहा, 3 बार दोनों हथेलियों को धुला और उसके बाद उंगलियों में खलाल कर लिया, फिर 3 बार कुल्ली किया, 3 बार नाक में पानी डाल के बाएं हाथ से साफ किया, और फिर अपने चेहरे को धुला,
चेहरे को धुलने के बाद पहले दाहिने हाथ को कोहनी समेत धुला तीन बार, फिर बायां हाथ को कोहनी समेत तीन बार धुला, फिर सर का मसेह किया, फिर कान का मसेह किया, फिर तीन बार दाहिने पैर को धुला और तीन बार बाएं पैर को धुला, और पैरों को धुलने के बाद पैरों की उंगलियों में खिलाल कर लिया। वुजू से फारिग होने के बाद यह दुआ पढ़नी चाहिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल तव्वाबीना, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। यह वुजू का साधारण नियम और विधि और तरीका हुआ। वुजू से के संबंध में कुछ महत्व बातें और मैं आपको बता दूं। बेहतर है, अच्छी बात है कि हर वुजू से पहले आदमी मिसवाक कर ले, क्योंकि अंतिम संदेशता ने कहा लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक, अगर मेरी समुदाय पर यह बात कठिन न होती कि मिसवाक बार बार करना कठिन न होता तो मैं उन्हें मिसवाक करने का निर्देश एवं आदेश देता। दूसरी बात, ये धुलने वाले अंग को कम से कम एक बार धुलना वाजिब तथा अनिवार्य है और अधिक से अधिक तीन बार, एक से लेकर तीन, तीन से अधिक हम उसको नहीं धो सकते हैं। अतः जो लोग हाथ को धुलने के बाद पानी इस तरह करते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा हाथ को धुलने के बाद फिर पानी लेते हैं फिर इस तरह करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, अंतिम संदेशता से साबित नहीं है। दूसरी बात कि जब आदमी नींद से जागने के बाद वुजू करने जा रहा है, सोया हुआ है, अब वो जा रहा है वुजू करके नमाज पढ़ने, तो वुजू प्रारंभ करने से पहले उसे हथेली को धुल लेना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि आदमी नहीं जानता है कि सोते समय उसका हाथ कहां कहां गया। अंतिम संदेश ने कहा है इस्तैकद अहदुकुम मिन नौमी, जब तुम में से कोई भी मनुष्य निंद्रा से नींद से होशियार हो जागे तो अपने हाथ को उस वक्त तक पानी के बर्तन में न डाले जब तक उसे तीन बार ना धुल ले। फइन्नहु ला यदरी ऐना बातत यदुहु, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसका हाथ रात में कहां कहां गया है। इसी प्रकार वुजू से पहले एक बात और जरूरी है, वो ये है दिल में वुजू करने का इरादा करना, नियत करना, यानी दिल में जबान से कुछ नहीं पढ़ना है, दिल में ये नियत हो कि हम ये वुजू करने जा रहे हैं, वुजू करने जा रहे हैं, दिल में इरादा तथा नियत हो। और धुलने वाले अज्व में आदमी को, अंग में चाहिए आदमी को, वो दाहिने साइड से शुरू करे। चौथी बात यह है कि मेरे मित्रों, फजूल खर्ची ये अल्लाह को नापसंद और अपसंद है, नापसंद है, अल्लाह फजूल खर्ची पसंद नहीं करता। अतः ये अनिवार्य तथा आवश्यक है कि हम वजू करने में अधिक पानी ना खर्च करें। टोटी खोल दिया, पानी गिर रहा, हम हाथ धुले, आराम से पैर धुले, यहां तक कि अगर समंदर के तट पे भी बैठे हो तो फजूल खर्ची ना करें, वुजू करने में उतने ही जल का प्रयोग करें, उतने ही पानी का इस्तेमाल करें जितना वुजू के लिए जरूरत तथा आवश्यक है। यह वुजू के बारे संबंध में कुछ बातें हैं। अब आइए ये बात भी जानना अनिवार्य है कि किन किन कामों से वुजू भंग हो जाता है, वुजू टूट जाता है। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत, किन किन कामों से वुजू टूट जाता है। नंबर एक, पाखाना पेशाब के मार्ग से किसी चीज के निकलने से वुजू भंग हो जाएगा तथा टूट जाएगा, चाहे वो हवा हो या पानी हो या पेशाब हो या पाखाना हो, कोई भी चीज, चाहे मर्द हो या औरत। दूसरी चीज, बुद्धि खो जाने से, अकल खो जाने से वुजू भंग हो जाएगा, चाहे वो बुद्धि समाप्त हुई है
बेहोशी की वजह से या किसी नशा के कारण या निंद्रा द्वारा, यानी आदमी को गहरी नींद आ गई अब वो जान ही नहीं पाता क्या हो रहा है, तो बुद्धि खो जाने से वजू भंग हो जाएगा। हाँ अगर कोई मनुष्य वजू करने के बाद थोड़ा सा ओंगरा झपकी जिसको बोलते हैं तो उससे वजू भंग नहीं होगा। तीसरी चीज, ख्वाहिश से शहवत से अपने हाथ से अपना शर्मगाह गुप्तांग छू ले या किसी का छू ले तो इससे भी वजू भंग हो जाएगा। इसी प्रकार चौथी चीज वजू को भंग करने वाली है, ऊंट का मांस खा लेना। खाने पीने वाली हलाल चीजों में मात्र ऊंट का मांस ही एक चीज है जिसके खाने से वजू भंग हो जाता है। ऊंट का मांस हो या कलेजी हो या फेफड़ा हो या गुर्दा हो, कोई भी चीज हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने जब पूछा अनतवद्दौ मिन लुहूमिल इबली, क़ाला नाम, क्या जब मैं ऊंट का मांस खाऊं तो वजू करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हां, और दूसरी हदीस में है तवद्दा, हां वजू करो। तो ऊंट के मांस खाने से वजू भंग हो जाएगा, अलबत्ता ऊंट का दूध पीने से वजू भंग नहीं होगा, क्योंकि एक कुछ लोगों ने को अल्लाह के रसूल ने यह आदेश दिया कि ऊंट का दूध पिए, सदके के ऊंट का दूध पिए, और उन्हें वजू लौटाने का आदेश नहीं दिया। तो इन कामों से वजू भंग हो जाएगा। कौन कौन काम? पखाना पेशाब के मार्ग से कोई चीज निकल आए, बुद्धि समाप्त होने से, शर्म गुप्तांग यानी शर्मगाह छूने से, कपड़े के भीतर से, कपड़े के ऊपर से नहीं। हाँ अगर कोई आदमी कपड़े के भीतर से बार बार छू रहा है और उसमें ख्वाहिश सेक्स पैदा होता है, तो जब इंसान के शरीर में शहवत जागती है तो पानी का कतरा निकल आता है, उससे वजू भंग हो जाएगा। और इसी प्रकार ऊंट का मांस खाने से। हाँ अगर कोई मनुष्य किसी महिला को सेक्स से, ख्वाहिश से, शहवत से छुआ है तो महिला को छूने के कारण नहीं, शहवत से छूने के समय गुप्तांग से पेशाब के मार्ग से कुछ जल निकल आता, पानी निकल आता है, तो इस कारण भी वजू टूट जाएगा और बिना वजू नमाज नहीं होगा। ये हुआ वजू के बारे में कुछ महत्व बातें जो मैंने आपके सामने रखना मुनासिब समझा। अल्लाह ताला से मैं ये प्रार्थना तथा दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें उस प्रकार वजू करने की तौफीक दे जिस तरह वो पसंद करता है, और बार बार वजू करने की तौफीक दे। आमीन। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।